हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पीसीए क्लासेज अलीगढ़ में। आज आपके सामने लेके आए कि अभाज्य संख्या या फिर प्राइम नंबर। तो दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। दोस्तों, ये पूछा गया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी। दोस्तों, अभाज्य संख्या काफी एग्जाम में पूछा गया। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दें कि एक ना तो भाज्य संख्या होती है और ना ही अभाज्य संख्या। जैसे देखिए कि आप कहीं पे खेल रहे हो, तो बच्चे आकर बोले कि आप भी हमें भी खिलाओ, तो आप क्या कहोगे कि नहीं, बच्चों का खेल नहीं है। तो अब क्या करेंगे, अगर जबरदस्ती खिलाना भी पड़े तो क्या उनकी क्या की जाती है, कच्ची गोडी। अपन राजस्थानी भाषा में कह सकते हैं क्या हो गई, कच्ची गोडी, कि तू भाई तेरे मन में आए उधर घूम। तो एक है ना दोस्तों, इसकी भी क्या है, कच्ची गोडी। सबसे छोटी संख्या क्या है, एक, और इसकी क्या रहने वाली है, कच्ची गोडी। ना तो ये भाज्य की संख्या में आएगा ना ही अभाज्य संख्या में। तो यहाँ पर दोस्तों देखे अगली संख्या कौन सी रहेगी, दो। तो दोस्तों ध्यान रखे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, दो। दोस्तों ये भी ध्यान रखे कि सम संख्या कौन सी संख्या। दोस्तों, सम संख्या केवल एक ये ही है जो अभाज्य संख्या है, और इसके अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं हो सकती। आगे देखे दोस्तों, अब यहाँ पर क्वेश्चन आए कि सर अभाज्य संख्या होती क्या है। तो अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं हैं जिनमें खुद के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाए। खुद के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग ना जाए। अब दोस्तों दिमाग में ये आएगा कि सर एक का तो जाता है, एक का तो यहां पर जाएगा, दो में भी। तो दोस्तों एक को क्या भी क्या माना गया कि कच्ची गोटी है, एक का तो भाग भी दे सकते हैं और एक गुणा भी कर सकते हैं। जैसे बात करें 10 है, इसके नीचे क्या दोस्तों एक भी लगा रहे, और इसको अगर गुणा भी एक से करेंगे तो भी क्या रहेगा, 10 का 10। यहां पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे देखें कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। दोस्तों क्या सबसे छोटी विषम, यहां पर शब्द दे विषम और छोटी, तो यहां पर दोस्तों आपका आंसर क्या रहेगा, 3। क्या रहेगा, 3। क्या ये दो तो सम संख्या थी, तीन क्या रहेगी, विषम। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या रहेगी, 3। आगे इसी कड़ी में आगे चले तो यहां पर देखा पूछा गया कि प्रथम प्रथम 50 लगातार संख्याओं में कितने अभाज्य संख्याएं हैं, कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। दोस्तों यहां पर आंसर आपका रहेगा क्या, 50। कितनी है, 50 में लगातार 50 अंकों में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। तो आपका आंसर रहेगा दोस्तों क्या, 15। और इसी कड़ी में आगे चले कि अगर लगातार 100 संख्याओं में कितनी होंगी, तो 100 संख्याओं में कितनी होंगी, 25। कितनी होंगी दोस्तों, 25। ये अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था कि लगातार 100 संख्याओं में अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। तो वहां पर अपना आंसर क्या था, 25। दोस्तों एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा कि वहां पर अपन इनको काउंट करने बैठ जाए। आगे देखें, यदि क्वेश्चन पूछे 50 से कहां तक की दोस्तों, 100 तक की में। तो यहां पर देखो 100 तक, 1 से 100 तक कितनी है, 25। 1 से 100 तक कितनी है दोस्तों, 25।
और एक से पचास में कितनी थी 15, तो यहाँ एक से पचास वाली घटा दी जाएगी 15, तो क्या 51 से 100 तक कितनी शेष रह जाएंगी 10। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखें कि 50 से 100 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी 10। यहाँ पर 10 ध्यान रखें, क्या रहेंगी 10। आगे एक और एग्जांपल देखते हैं, ये एसएससी में पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन है कि प्रथम पांच अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दें, प्रथम पांच अभाज्य संख्याओं का क्या बताना है, औसत बताइए। अब ध्यान दें, यहाँ पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, उससे अगली 3, फिर क्या रहेगी 5, फिर क्या 7। दोस्तों यहाँ पे 9 नहीं रहेगा, आगे क्या रहेगा 11। और औसत निकालने के लिए इनका योग करेंगे, बटे में क्या लिखेंगे, राशियों की संख्या। तो राशियां यहाँ पे कितनी है 5, योग करें तो 2, 3, 5, 10, 17। 17 और 11 कितने हो गए, 17 और 11 28। 28 में भाग देंगे 5 का, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 5.6, ये अपना क्या रहेगा आंसर। अब क्वेश्चन यहाँ पे एक ही आता है कि सर इन अभाज्य संख्याओं का पता कैसे करें कि ये अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ अभाज्य संख्याओं के बारे में सीखे, आपको कुछ अभाज्य संख्याएं तो याद करनी पड़ेगी, जैसे सबसे छोटी है 2, फिर है 3, फिर है 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19। यहाँ तक एक बार देखते हैं, जैसे आपके एग्जाम्पल पूछा गया कि 91 अभाज्य संख्या है या नहीं है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देंगे, क्या 91 अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर ध्यान दें दोस्तों, इनका कैसे पता करें, 91 से दोस्तों ध्यान देंगे, 91 से ऐसी संख्या देखें जिसका पूर्ण वर्ग हो जिसके पास में, तो 10 का स्क्वायर क्या रहेगा दोस्तों 100। तो यहाँ पर ध्यान दे, 10 का स्क्वायर के पास में है, तो 10 से छोटी जो भी अभाज्य संख्याएं होंगी यदि उनका इस 91 में भाग चला गया या डिवाइड हो गई तो ये क्या रहेगी, भाज्य संख्या। यदि उनका भाग नहीं जाता तो लास्ट में कंफर्म होगा कि ये क्या होगी, अभाज्य संख्या। जैसे बात करें, क्या 2 का भाग जाएगा, नहीं। 2 का भाजकता का नियम क्या कहता है कि इकाई का अंक या तो क्या हो 2, या फिर क्या होना चाहिए 4, या 6, या 8, या फिर 10। कह सकते हैं कि सम संख्या होनी चाहिए, 2 का भाजकता का नियम क्या कहता है कि इकाई की संख्या क्या होनी चाहिए, सम। बात करें 3 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। क्या 3 का भाजकता का नियम क्या कहता है कि 3 के भाग कब जाएगा, जब उनके अंकों का योग किसके मल्टीपल हो, 3 के मल्टीपल, जैसे 3, 6, 9। बात करें 5 का, तो 5 का भाजकता का नियम दोस्तों क्या कहता है कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 5, या फिर क्या होना चाहिए 0, तो 5 का भाग भी नहीं जाएगा। बात करें 7 की, तो 7 का भाग देखे 7 एकम 7, 7 3 21, बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे 7 का भाग जाएगा, तो ये क्या है, ये है भाज्य संख्या। क्या है दोस्तों, ये है आपकी भाज्य संख्या। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, लिखा गया कि 127, क्या दोस्तों 127 क्या भाज्य है या फिर अभाज्य, भाज्य है या फिर क्या है, अभाज्य। तो यहाँ पर देखे, क्या 127 के लगभग तो किसका स्क्वायर होगा दोस्तों, 11 का 121। तो यहाँ पर देखे तो क्या 2 का भाग जाएगा, नहीं। 3 का योग करें, 3 और 7 10, 3 का भी नहीं जाएगा। 5 का, 5 ये 0 है, नहीं। 7 का भाग दे, 7 एकम 7 5 बच गए, नहीं जाएगा। 11 का भाग,
यहाँ पर नहीं जाएगा। 13 का भाग और देखते हैं तो क्या 13 का दोस्तों भाग जाएगा यहाँ पे, तो 13 का दोस्तों यहाँ पे देखना ही नहीं था क्योंकि 11 का 121 था। तो ये क्या यहाँ पर आंसर क्या रहेगा आपका, अभाज्य संख्या है। ये क्या है, अभाज्य संख्या। यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखे दोस्तों कि 153 क्या अभाज्य है या भाज्य, भाज्य है या अभाज्य। एक और एग्जाम्पल देखेंगे क्या यहाँ पर 93 दोस्तों क्या 93 भाज्य है या अभाज्य, अभाज्य। दोस्तों कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।